ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। आज हम आपके समक्ष लॉकडाउन पर एक फिल्म प्रस्तुत कर रहे हैं। इस फिल्म में जो फोटो वीडियो है वो तो हमने मुरैना शहर के इस्तेमाल किए हैं। मुरैना शहर में लॉकडाउन की क्या स्थिति रही और अब क्या स्थिति है, कितना बाजार खुल रहा है और कितना बंद है, ये तो इस फिल्म में आप देखेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ घटनाएं भी घटी, जैसे कि भिंड जिला में महंगाव है, तो महंगाव में कुछ लोग भूख से मर गए इस लॉकडाउन के कारण। इस खबर की कटिंग भी हम इस फिल्म में दिखा रहे हैं। इसके साथ कुछ अच्छी घटनाएं भी घटी, जैसे बिजली घर के एक जेई है अशोक शर्मा जी, उनको अपॉइंट किया हुआ है राशन के और उसकी देखभाल और वितरण के। तो उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की, काफ़ी वितरण किया और उसकी अखबार की कटिंग भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। हम चाह रहे थे कि उनका कोई वीडियो मिल जाता, लेकिन वो हमें आखिरी तक अभी मिल नहीं पाया है। आगे कभी आएगा तो फिर दिखाएंगे। इसमें जो मुख्य बात है वो ये है कि लॉकडाउन से कुछ सबक भी सीखने को मिले भारत की जनता को, कुछ नया भी मिला, नया करने को भी मिला, लेकिन दुखद बहुत रहा। लोगों को कष्ट और परेशानियां बहुत हुई, जिसमें कई लोगों को भूख और राशन की बहुत परेशानी हुई। राशन एक आम शब्द है, लेकिन असल में तो खाने पीने की समस्या रही लोगों को। कई लोग जिनके यहाँ गैस नहीं है, वो लकड़ी से ही काम चलाते, उनको लकड़ी कोयले की दिक्कत हुई। उसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको दिहाड़ी काम करना पड़ता है, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। ऐसे लोग जो रोज कुआं खोद के रोज पानी पीते हैं, उन लोगों का तो जीवन यापन एक तरह से असंभव कह लीजिए या कठिन कह लीजिए हो गया। ये इन सारी घटनाक्रम के बीच में प्रशासन अपना काम करते रहे और सरकार अपना काम करती रही। सरकार ने 3 बार लॉकडाउन किया था, चौथा लॉकडाउन तो 18 मई से शुरू होगा, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, और वो कुछ अलग स्वरूप में होगा। मतलब भारत के सारे बाजार खुले रहेंगे, सारा बाजार पूरा खुला रहेगा, हर चीज़ खुली रहेगी, और उसमें जो देखने की बात होगी वो इतनी सी होगी कि इसके बावजूद लॉकडाउन रहेगा। अर्थात ये कि वहाँ पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जिसको बोलते हैं, आपस में एक दूरी रखना, जैसे दुकानदार के और ग्राहक के बीच दूरी होगी, ग्राहक ग्राहकों के बीच दूरी होगी, इस प्रकार से ये लॉकडाउन कंडक्ट होगा जो आगे आएगा, लॉकडाउन 4 जिसको कहा जा रहा है। इसी बीच में प्रधानमंत्री ने कुछ पैकेजों की भी घोषणा की। उन पैकेजों में उन्होंने पहले उद्योगों के लिए की, जिसमें तीनों प्रकार के उद्योग लिए गए हैं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम, और उन उद्योगों के तहत जो है सूक्ष्म, जैसे कुटीर उद्योग आते हैं, कुटीर उद्योगों की भी परिभाषा बदली है, लघु उद्योगों की भी बदली है और मध्यम उद्योगों की बदली है। इन्वेस्टमेंट कैपिटल जो रहता है उनमें, जिसे लागत राशि कहते हैं, उसकी बढ़ोतरी करके उन्होंने कुटीर, लघु और मध्यम तीनों को बढ़ाया। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि इनमें जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रहती हैं, जिन्हें उत्पादन इकाई बोला जाता है, और दूसरा जो सर्विस इंडस्ट्री रहती हैं, जिन्हें सेवा इकाई कहा जाता है, ये सेवा इकाई और उत्पादन इकाई, इनके बीच में जो अंतर है वो तो जो व्यवसाय बिजनेस से जुड़े लोग हैं वो समझते हैं, या जो इसमें आना चाहते हैं वो लोग समझेंगे। लेकिन इसमें बहुत से उन्होंने लोन की घोषणा की है कि उनको कर्ज आसानी से मिल सकेगा और गारंटी देने की जरूरत नहीं होगी।
और बिना गारंटी के लोन वो ले सकेंगे। और इस तरह से बहुत सा बड़ा बाजार उन्होंने या बहुत से अवसर खोल दिए। सरकार हर किसी को नौकरी तो नहीं दे सकती थी, लेकिन उन्होंने रोजगार के अवसर जरूर, काम धंधे के अवसर जरूर खोल दिए इसमें। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसे बिजनेस और रोजगार के नज़रिए से देखें तो इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ उभर के आती है वो आती है मार्केट सर्वे। किसी भी प्रोजेक्ट को, परियोजना को या उद्योग को स्थापित करने के लिए सबसे पहले मार्केट सर्वे किया जाता है, और मार्केट सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ही किसी व्यवसाय का या उद्योग का चयन किया जाता है कि उसे करना क्या है। तो अगर लॉकडाउन को उस नज़रिए से देखा जाए तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर उद्यमियों के लिए, जिसे एंटरप्रेनर्स बोलते हैं, उनके लिए, और जो व्यवसाय करने जा रहे हैं बेरोजगार लड़के, उन्हें रोजगार मिलने के अवसर पैदा हुए हैं। तो इसमें बहुत गहरी मार्केट सर्वे उभर के आई है पूरे लॉकडाउन के अंदर। वो ये कि लोकल, आप लोकल में जी रहे थे, आपका बाहर से आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, यातायात पूरा का पूरा पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि इसमें क्या कमी हुई, क्या चीज अनुपलब्ध थी और क्या चीज चाहिए थी, और तीसरी चीज कि क्या चीज कैसे प्राप्त हुई, यानी कि आवश्यकता, उपलब्धता और कैसे उपलब्ध हुई। ये तीन चीजों की गहराई से जिसने भी अध्ययन किया होगा, स्टडी की होगी, तो बिजनेस और रोजगार से जुड़े हुए मेरे साथी और पुराने छात्र जिन्हें मैंने सिखाया है और आज अच्छे व्यवसायी हैं, अच्छे उद्योगपति हैं, उन सब को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि उनने इसमें अध्ययन कर लिया होगा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान क्या चीज़ थी जिसने आपूर्ति की, उपलब्धता पैदा की, और क्या चीज थी जिसकी कमी रही, जो उपलब्ध नहीं हो पाई। तो प्रधानमंत्री ने भी लोकल पर जोर दिया है। तो लोकल के बारे में बात करें तो वो सीधी सी, बड़ी स्पष्ट सी बात है कि वो चीज जो आपको नहीं मिल पाई इस अवधि में, आपको उस चीज को अब लोकल स्तर पर ही मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उत्पादन करना पड़ेगा, निर्माण करना पड़ेगा। और सर्विस इंडस्ट्री, जहाँ तक है सेवा इकाई, की कौन सी चीज थी जो उपलब्ध थी लेकिन जो है लोगों तक नहीं पहुंच पाई, यानी कि कोई चीज यूनिट में रखी रही लेकिन उसके उपभोक्ता तक नहीं पहुंच पाई। और इस चीज को जो पहुंचाने का काम करते हैं उसे सर्विस इंडस्ट्री या सेवा इकाई कहा जाता। तो वो सेवा इकाई या सर्विस इंडस्ट्री की जो सर्वे आई है या जो भी डाटा इकट्ठे की है पूरे देश भर में सब लोगों ने, तो वो अब तक पूरे इकट्ठे हो चुके होंगे और उन्हें अच्छे से पता होगा कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारे लोकल क्षेत्र में या हमारे जिले में या हमारे शहर में या वार्ड में या नगर निगम या नगर पालिका में कौन सी लगनी है जिसकी ज़रूरत है, कि जो चीज़ नहीं थी, जिसकी उपलब्धता नहीं हुई, उपलब्ध भी नहीं थी। तो उन चीज़ों की इकाइयों को स्थापित करना अब ये एक अवसर है। तो लॉकडाउन को एक अवसर के रूप में बदलना होगा, एक अवसर के रूप में, यानी कि जो खोया है वो खोया है लेकिन पाया क्या है और पाएंगे क्या, इस पर विचार करना है। क्योंकि नौकरियां तो अब सबको नहीं मिल सकती, संभव ही नहीं है। अब तो बेहतर ये है कि आप अपना खुद का व्यवसाय करें, खुद का उद्योग लगाएं, खुद की सेवा इकाई लगाएं, वो आपको करना है। तो अब आपके यहाँ कौन कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो नहीं थी, या कौन से वार्ड स्तर पर ऐसा हुआ या कॉलोनी स्तर पर ऐसा हुआ, कहाँ कौन सी दुकान खोलनी है, कहाँ कौन सी दुकान नहीं खोलनी है, किसकी आपूर्ति नहीं हो पाई, उपलब्ध नहीं हो पाई, कौन सी चीज़ें जो नहीं थी स्थानीय स्तर पर या लोकल स्तर पर, वो आपको अब पूरी यूनिट एस्टैब्लिश करनी है, इकाई स्थापित करनी है। और इसका जो साधारण सा तरीका है
वो ये है कि आप इकाई को फर्म बनाकर या सहकारी समिति बनाकर या फिर कंपनी बनाकर, तीन प्रकार से इसको कर सकते हैं। फर्म का रजिस्ट्रेशन अलग होता है, आप उस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन जहाँ फर्म का होता है उसके उसी शहर में ही सहकारी समिति कोऑपरेटिव का भी होता है। कोऑपरेटिव के रजिस्ट्रेशन के दफ्तर तो लगभग हर जिले में उपलब्ध हैं, लेकिन फर्म का हर जगह नहीं होता। इसी तरह कंपनी का है तो कंपनी का पूरे राज्य में कोई एक दफ्तर होता है, तो वहाँ आप कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं। ये सब ऑनलाइन भी होते हैं, आप ऑनलाइन भी रजिस्टर करा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उभर के आई है वो है आई है ऑनलाइन बिजनेस की या ऑनलाइन सेवाओं की। तो जो भी आज ऑनलाइन, तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो इतनी है कि ऑनलाइन और ई बिजनेस, ई ऑफिस, इनके संचालन किए बगैर और इनकी सर्विसेज का या सेवाओं का लाभ उठाए बगैर आगे जीवन संभव नहीं होगा। और जो भी इस चीज़ को अब नहीं जानता है वो इस चीज़ को सीख ले, वरना आगे उसको भारत में या विश्व में कहीं भी कोई काम नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा विश्व ही लॉकडाउन से गुजरा है और सब जगह अब वर्क फ्रॉम होम और ई ऑफिस और ई बिजनेस ये कल्चर सामने आए हैं, जिसमें ई कॉमर्स ने अभी कुछ साथ देने की कोशिश की थी लेकिन वो पर्याप्त नहीं था और उसकी पहुंच आम आदमी तक नहीं थी, इसलिए भारत में अधिक कठिनाई हुई। तो केवल यही नहीं कि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं, सर्विस इंडस्ट्री लगाएं, आपको ऑनलाइन भी होना पड़ेगा। आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को या आपकी सर्विस यूनिट को ऑनलाइन आना ही पड़ेगा, उसके बगैर ना आप चल पाएंगे ना आप उपभोक्ताओं तक पहुंच पाएंगे। मोहल्ले में, आपके कॉलोनी में बगल में लगी दुकान भी अगर ऑनलाइन है तो आप उसको मैसेज करके सामान बुक करा सकते हैं, आप अपने समय की बचत करा सकते हैं। सामान बुक हो करके वहाँ पर पैक हुआ आपको तैयार मिलेगा, और आप एक तौल कांटा, एक 2 किलो का इलेक्ट्रॉनिक कांटा आता है बाजार में, मिलता है आसान, वो ला सकते हैं। दूसरा एक 20 किलो तक का आता, आप उसे ला सकते हैं। इन तौल कांटों को आप अपने घर में रखिए, आप जो भी सामान लाते हैं आप उसको तौल लीजिए, आपको कोई शिकायत आती है तो उस शिकायत को भी आप वहाँ पर दर्ज कराइए, तब आगे की कार्यवाही होगी। जैसे वजन कम है जिसे घट तौली बोला जाता है, या मान लीजिए मिलावट का सामान दे दिया या घटिया सामान दे दिया, तो उस चीज़ के लिए भी फोकस करिए। आप अपना एक बिजनेस एडवोकेट जिसको बोलते हैं लीगल एडवाइज़र, वो अपॉइंट करके रखिए। कई लोग पैनल नियुक्त करते हैं जो बड़े बिजनेस हैं, बड़े उद्योग हैं, जो छोटे हैं वो एक एडवोकेट को किसी को अपॉइंट करके रखते हैं, वो उनको सलाह भी देता है, उनके लिए कार्यवाही भी करता है। इस तरह से आपको ई बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस और इंटरनेट बिजनेस से जुड़ना पड़ेगा। आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए और आप अकाउंट पर इंटरनेट बैंकिंग के जरिए, ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए जुड़े हुए होना चाहिए। ये सब छोटी बातें हैं जो कि आपको करनी ही पड़ेंगी, अनिवार्य करनी, ये जीवन का अंग है। दूसरा, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने या सर्विस इंडस्ट्री लगाने का आपके यहाँ पर वो है, तो एक मार्केट सर्वे रिपोर्ट अभी उपलब्ध है, आप उस हिसाब से उसे स्थापित कर सकते हैं। आपके ग्राहकों का आपको पता है कि कौन कौन कहाँ किस चीज़ का ग्राहक होगा। लोकल स्तर पर इस सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन को उपलब्ध कराने के साथ ही आप इसको इंटरनेट बिजनेस के जरिए, ऑनलाइन बिजनेस के जरिए या ई बिजनेस या ई ऑफिस के जरिए, वर्क फ्रॉम होम, अब किसी को बाजार में बड़ी दुकान में एक आलीशान एक शो खोलने की ज़रूरत नहीं है। अब शो वाला खेल हो गया बंद, अब सारा बिजनेस घर से ही चलना है, सारा काम ऑनलाइन का पूरा घर से ही होगा। और आपको लोकल में ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी होगी, लोकल में ही सर्विस इंडस्ट्री प्रोवाइड करानी होगी,
लोकल की आपूर्ति को आप प्राथमिकता देंगे, लोकल के लोगों को भी ये वो रहेगी कि वो लोकल बिजनेस वाले से ही खरीदें, उनके सिवा और कोई चारा नहीं बचेगा या रहेगा। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सरकार ने इस दरमियान की और बहुत बढ़िया रही, लेकिन कुछ दुखद घटनाएं भी घटी इस बीच में। मजदूरों के साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा सलूक हुआ, बहुत बड़ा व्यवहार हुआ। तो एक गरीब की जो हालत है, तो इसने हमारे मुरैना शहर में एक बार जो रिक्शा मालिकों रिक्शा चालकों को रिक्शा मालिक बना दिया गया था। तो रिक्शा मालिक बना दिया गया था, छोटे मोटे दुकानदार थे जो कि दूसरों से माल लेकर के फुटकर बेचते थे, खुद भी कमाते थे, उसको भी देते थे बीच में। वो सब खत्म करके फिर उनको होलसेल का थोक का विक्रेता भी बनाया गया। नेहरू रोजगार योजना में इतना किया गया था, इतना मैंने देखा, मुझे याद है। लेकिन अब उसी व्यवसाय को, बिजनेस को बड़े स्तर पर किया जा सकता है और आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। जय हिंद, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।